मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम स्टेट कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या रह सकती है आपके स्टेट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ। मैं यहाँ पर आपको लास्ट कट ऑफ बताऊंगा, लास्ट राउंड की लास्ट कॉलेज में क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको पूरी डिटेल के बारे में जानकारी लेनी है, राउंड वाइज जानकारी लेनी है, कैटेगरी वाइज जानकारी लेनी है, तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरी तरीके से समझाया गया है। जो 2020 की कट ऑफ थी उससे 15 से 20 मार्क्स तक आप उसमें कम कर लीजिएगा तो आपकी कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ आ जाएगी। राउंड वाइज कट ऑफ उसमें दी हुई है तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बाकी काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से समझाया गया है। ऑल इंडिया स्टेट की अलग अलग बुक है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बार बार वीडियो में बुक के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है ताकि आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं कौन से स्टेट में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। तो महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं जो नीट की एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज होने के कारण इस स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से 30 से 35 मार्क्स डाउन जाती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 21 में। ऑल इंडिया की कट ऑफ मैंने बता दिया था, तो महाराष्ट्र स्टेट में देखते हैं तो हम जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 550 इस बार कट ऑफ रह सकती है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 550 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ सेम सी रहती है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जब हम कट ऑफ देखें यहाँ पर तो इसमें हमें इसके 5 मार्क्स तक डाउन जाती है। वैसे 2020 में ये 3 मार्क्स तक डाउन गई थी। यहाँ हम देख लेते हैं कि इसकी 545 कट ऑफ जा सकती है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। इसके बाद में यहाँ NT1 कैटेगरी की हम बात करें तो NT1 की 475 कट ऑफ जा सकती है 21 में। इसके बाद में NT2 की बात करें तो NT2 में 535 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है इस साल के लिए। इसके बाद में हम बात करें NT3 की तो NT3 में 548 तक ये कट ऑफ जा सकती है। वीजे कैटेगरी में 500 तक कट ऑफ जा सकती है। SC कैटेगरी की बात करें तो 460 मार्क्स और ST कैटेगरी की हम बात करें तो 310 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है। डिफेंस कोटे के लिए यहाँ 500 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको आप नोट कर लें। तो ये कट ऑफ लास्ट राउंड में लास्ट कॉलेज जो महाराष्ट्र में लास्ट कॉलेज मिलता है वो GMC नंदुरबार मिलता है, तो ये वहां की ही कट ऑफ मैंने बताई है कि वो कॉलेज मिल सकता है आपको लास्ट राउंड में लास्ट कॉलेज। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट भी काफी बैठते हैं नीट के एग्जाम में और यहाँ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट होने से यहाँ की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के बराबर रहती है या फिर 1-2 मार्क्स कम जाती है या फिर 2-4-5 मार्क्स ज्यादा जाती है। तो इस बार हम देखें 21 के लिए इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो 21 के लिए मैं मान रहा हूं कि जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ रहेगी उससे 5 मार्क्स कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है, लेकिन राजस्थान स्टेट के
कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल जाएगी। मैंने पिछली बार भी बताया था कि राजस्थान स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, राजस्थान के कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा में सीट लेनी चाहिए। काफी स्टूडेंट ने ऑल इंडिया सीट को छोड़कर राजस्थान स्टेट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको सीट नहीं मिली क्योंकि पिछली बार 5 मार्क्स कट ऑफ ज्यादा गई थी राजस्थान स्टेट में ऑल इंडिया कोटा की बजाय। प्रीवियस ईयर को देखें हम, जैसे कि हम 19 में देखें तो 19 में 2 मार्क्स डाउन रही थी, 18 में देखें तो 18 में सेम कट ऑफ रही थी, इसके बाद में हम देखते हैं 17 में देखते हैं तो 17 में 7 मार्क्स डाउन रही थी, जहां 562 ऑल इंडिया कोटा की रही थी तो राजस्थान की 556 रही थी। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ इस बार राजस्थान की 5 मार्क्स ज्यादा जाने की संभावना है। यूआर कैटेगरी की बात करें हम तो इसमें 590 कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की अगर हम इसमें बात करते हैं तो 585 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 580 कट ऑफ जा सकती है, एससी कैटेगरी की अगर हम राजस्थान स्टेट के लिए बात करें तो 490 कट ऑफ जा सकती है, और एसटी कैटेगरी के लिए 470 कट ऑफ जा सकती है राजस्थान स्टेट के लिए। तो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट को फिर मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलती है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से ही सीट लेकर उस पर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टेट में कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। अब हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की, तो हरियाणा स्टेट की कट ऑफ भी काफी हाई रहती है। तो हरियाणा स्टेट में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखते हैं, तो इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो हरियाणा स्टेट की यूआर कैटेगरी की 580 कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में हम इसकी ओबीसी कैटेगरी की बात करें, हरियाणा स्टेट में अगर हम ओबीसी, इसमें दो कैटेगरी होती है हरियाणा में, बीसीए और बीसी, इसमें बीसीए होती है और बीसीबी होती है, तो बीसीए की हम कट ऑफ देखें, बीसीए की कट ऑफ जा सकती है 550 और बीसीबी की कट ऑफ जा सकती है इसमें 575 मार्क्स, यानी कि 575 मार्क्स वाले कैंडिडेट को सीट मिल सकती है लास्ट राउंड में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 577 पर सीट मिल सकती है हरियाणा स्टेट में, और एससी कैटेगरी की 475 पर सीट मिल सकती है, एसटी कैटेगरी होती नहीं है। तो ये हरियाणा स्टेट की है। हरियाणा में जो 10 लाख की फीस का इश्यू है वो अभी उसकी वजह से यहाँ स्टेट की थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ डाउन रहती है, अगर वो नहीं होता तो इस स्टेट की भी कट ऑफ काफी ज्यादा जानी थी। यहाँ पर जो अग्रोवा है और ईसी जो ईएसआईसी है उसकी कट ऑफ ज्यादा रहती है बाकी कॉलेजों की बजाय। तो ये हरियाणा स्टेट की कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं यूपी स्टेट की, तो यूपी में इस बार सीटें काफी इंक्रीज होने की संभावना है। इसमें 4-5 कॉलेजों का तो इंस्पेक्शन भी हो चुका है, बाकी कॉलेजों का इंस्पेक्शन होना है, तो अभी इसमें इस बार जो 900 सीट्स है वो बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए, तो यूआर कैटेगरी के लिए यहां माने तो यहां भी 580 कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में यूपी स्टेट में ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ 1-2 मार्क्स का ही अंतर होता है, तो यहां 578 हम कट ऑफ मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 435 काफी डाउन जाती है इस स्टेट में, और एसटी कैटेगरी की तो और भी ज्यादा डाउन जाती है इस स्टेट में। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि एससी की 435, एसटी की 220, ईडब्ल्यूएस की 578 कट ऑफ रह सकती है यूपी स्टेट में। तो ये आप साथ साथ नोट कर लें। अब हम बात करते हैं आगे बिहार स्टेट की। बिहार स्टेट में कॉलेजें कम होने के कारण स्टूडेंट काफी होते हैं, काफी होने से यहाँ की कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई जाती है। अगर हम बिहार की यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ की 585 यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा है उसके 1-2 मार्क्स कम ही कट ऑफ जा सकती है, इतनी कट ऑफ जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसकी 580 के नियर बाई कट ऑफ जा सकती है बिहार स्टेट में।
जो इसमें ईबीसी कैटेगरी, ये बीसी कैटेगरी है और जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 570 के नियर बाई कट ऑफ जा सकती है, एससी की 440 और एसटी की यहां कट ऑफ ज्यादा जाती है वो 470 मार्क्स जा सकती है ये कट ऑफ। तो इस प्रकार से बिहार स्टेट की ये कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 21 के लिए। अब हम बिहार के बाद बात करते हैं एमपी स्टेट की। तो एमपी स्टेट में एक मेधावी योजना होती है जो स्टूडेंट को मिलती है, उसकी वजह से यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ भी ज्यादा जाती है एमपी स्टेट में। मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो अंतर होता है कट ऑफ का वो बहुत ही कम होता है। यहाँ हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए 540 मार्क्स पर कट ऑफ जा सकती है। यहाँ प्राइवेट में भी काफी बच्चे एडमिशन लेते हैं क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हम बात करें तो इसमें 535 कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की तो इसमें 405 कट ऑफ जा सकती है और एसटी कैटेगरी में 285 कट ऑफ जा सकती है 21 के लिए एमपी स्टेट में। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ वेस्ट बंगाल में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी 2020 में। एक कॉलेज थी जिसकी फीस कम है, तो यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो यूआर कैटेगरी के अंदर हम माने तो इसमें 555 कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ इसमें महाराष्ट्र स्टेट के इक्वल सी ही रहती है, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता इसमें। ईडब्ल्यूएस 540 पर इसमें कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद इसमें ओबीसी ए जो कैटेगरी होती है उसकी 550 कट ऑफ जा सकती है और ओबीसी बी कैटेगरी की कट ऑफ 540 मार्क्स जा सकती है। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो 435, एसटी की इसमें काफी डाउन जाती है 220 कट ऑफ जा सकती है वेस्ट बंगाल के लिए। तो इस प्रकार से ये स्टेट कोटा की कट ऑफ है। बाकी स्टेट्स की कट ऑफ मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा, इस वीडियो का कितना रिस्पांस रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा वीडियो भी बाकी स्टेट की कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। देखते हैं इसका कितना क्या रिस्पांस रहता है क्योंकि इसमें काफी समय लगता है कट ऑफ निकालने में, स्टेट वाइज देखना होता है कौन से स्टेट में स्टूडेंट कितने होते हैं।